गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रश्मि हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो ठंडी शुरू हो गई है और सोया मेथी का साग जो है ना आने लगा है, और ये ना ठंडियों में खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो आज बनाते हैं लहसुनी सोया मेथी का साग आलू के साथ। और पूरी रेसिपी देखने के लिए आपको बने रहना होगा खाना खजाना बाय रश्मि के साथ। तो बिना देर किए हुए चलिए बना डालते हैं ये साग की रेसिपी। तो अभी आप देख रहे हो ना, ये है सोया मेथी का साग, जिसे मैंने ना पहले ही धुल लिया था और टोकरी में रख दिया था, जिससे इसका जो पानी है ना वो अच्छी तरीके से निकल गया था। कुछ पानी रहता है बट ज़्यादा मात्रा वाला वो अच्छी तरीके से टोकरी से पास हो जाता है। अभी हम इसको कट करेंगे। तो आप देख रहे हो ना, साग काफ़ी बड़ा है और जो लेंथ है साग की काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हाथों से तोड़ के, और इसे हम ना चाकू से बारीक काटेंगे। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है ना, वो साग बहुत बड़ा बड़ा कट करते हैं, बट वो साग में कम टेस्ट आता है। कभी आप बारीक कट करके फिर बनाओ साग को, वो बहुत टेस्टी लगता है और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और जो बड़ा साग होता है ना, वो कभी कभी ना डंठल जो होती है ना साग की, वो थोड़ी मोटी होती है, वो अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होती है, और फिर आप खाओ तो मुंह में लगता है और अजीब सा भी लगता है खाने में। अगर आप बारीक बारीक साग को कट करोगे, सोया के साग को कट करना पहली बात तो बारीक, और मेथी को आप ना मोटा कट करोगे तो चलेगा, क्योंकि मेथी जो होती है वो सॉफ्ट होती है। तो आप देख सकते हो जो सोया है उसे मैंने बारीक कट किया है, और जो मेथी है उसे थोड़ा सा बड़ा कट किया है, और आलू कट कर लिया था मैंने दो, थोड़ा बड़े साइज़ में कट किया था, और आलू को भी अच्छी तरीके से धुल लिया था, और साग तो धुला था तो मैंने कट कर ही लिया था। तो अभी गैस ऑन किया, कढ़ाई चढ़ाया, सरसों का तेल ऐड किया, उसके बाद इसमें डाल दिया ढेर सारा खुना हुआ लहसुन। कभी भी साग में बारीक कटा या फिर पीस के कभी भी साग में मत डालिए लहसुन, मज़ा नहीं आएगा। कोई भी चीज़ लीजिए, उससे लहसुन को दरदरा खून दीजिए, और मिर्ची ना आप खून के भी डाल दीजिए या कट करके डाल दीजिए तो चलेगा, बट लहसुन बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी हमें इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है, और लहसुन में परफेक्ट वाला कलर आना चाहिए। लहसुन को हमें पकाना है, ये नहीं कि बस देख लिया लहसुन पक गया अब डाल दो साग आलू डाल दो हो गया। हमें लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर लाना है, और मिर्ची को भी अच्छी तरीके से फ्राई करना है, और सरसों का तेल तो पका के ही डालना है आपको। ये नहीं चलेगा कि सरसों का तेल अच्छी तरीके से पका नहीं और लहसुन मिर्ची डाल दो। अभी आप देख रहे हो ना, हमारा जो लहसुन है उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से कलर आ गया है, और कलर भी कितना प्यारा है, और मिर्ची भी हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को हम थोड़े सा फ्राई कर लेंगे, बस थोड़ा सा, जिससे जो ऑयल है वो आलू में अच्छी तरीके से लग जाए। अब हम ना इस आलू को बिल्कुल भी चलाएंगे नहीं। अब इस पे ऐड करेंगे सोया मेथी का साग, और हम ना आलू को नीचे रखेंगे और साग को रखेंगे ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो आलू है वो पक जाएगी जल्दी, वो पकेगी ऐसे जल्दी, जो साग का पानी है वो जाएगा कढ़ाई में नीचे। तो नीचे तो रखी है आलू, तो पानी जाएगा आलू में और हमारी जो आलू है वो जल्दी से पक जाएगी। अभी आलू डाल दिया, साग डाल दिया, अब नमक डाल दिया, नमक जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसे चलाएंगे बिल्कुल भी नहीं कि हमें आलू साग नमक सबको मिलाना है। अभी हम एक बर्तन से ढक देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और कम से कम इसे हम 2 से 3 मिनट ढक के ऐसे ही पकाएंगे। फिर बर्तन हटाएंगे 2-3 मिनट बाद, और फिर हम नमक आलू और साग को अच्छी तरीके से मिलाएंगे, और मिलाएंगे फिर कढ़ाई में पूरी तरीके से फैला देंगे, फिर फ्राई करेंगे, फिर हम कढ़ाई में साग और आलू को अच्छी तरीके से फैला देंगे, फिर हम कलछी से चलाएंगे। सेम प्रोसेस हम करते रहेंगे जब तक कि हमारी जो साग है वो अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो जाए
और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, तभी मज़ा आएगा खाने का। आप साग कभी भी बनाओ ना, तो उसे अच्छी तरीके से फ्राई करो, कभी भी गैस की फ्लेम हाई करके साग को मत पकाओ, हमेशा गैस की फ्लेम को मीडियम रख के ही पकाओ साग को, तभी साग में टेस्ट आता है और सोनापन आता है। जब साग अच्छी तरीके से फ्राई होगा तो काफ़ी परफेक्ट वाली स्मेल आएगी, सोनी सोनी खुशबू आएगी, जो खुशबू से ही एकदम मतलब लालच आएगा कि हाँ बस साग को खा लिया जाए, किसी चीज़ के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ। तुम्हारा जो सोया मेथी का साग है आलू के साथ वाला, वो रेडी हो गया है। और ये लहसुनी साग काफ़ी टेस्टी लगता है और बनाने में भी काफ़ी इजी है, कम टाइम लगता है। और इसको ना ठंडियों में ज़रूर से ज़रूर बनाओ यार, खाओ, इन्जॉय करो। और पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बिना कंजूसी किए हुए कमेंट भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपसे मिलूंगी मैं नई रेसिपी के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।